students, look at this assignment problem. It contains all the negative values. You have just subtract the most lowest value, which is minus 8, from each and every element of this row. वो मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है. माइनस 8 से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे रखना है, दूसरे में माइनस 9 से, फिर माइनस 9 से, फिर यहाँ पे माइनस 2 से सब्सट्रैक्ट करना है, और फिर लास्ट रो में आपको माइनस 9 से सब्सट्रैक्ट करना है. तो इतना आ जाएगा. उसके बाद आप कॉलम में यही काम करेंगे. तो जिसमें जीरो है उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब लोवेस्ट एलिमेंट तो उसमें जीरो है. जीरो से जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉलम में कुछ नहीं, फिफ्थ कॉलम में लोवेस्ट एलिमेंट 1 है. 1 से आपने सबको सब्सट्रैक्ट किया. यहाँ तक तो सब काम ईजी होता है. इसके बाद हमें असाइनमेंट बनाना है. हम एक नया बॉक्स ना बना के इसी में बना देते हैं. जब आप करें तो खुद कर लीजिएगा अलग से, मतलब नए बॉक्स में करिएगा. नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में सिंगल आइटम में जो जीरो मिल जाता है तो मैंने इसको असाइन कर नीचे वालों को मैं क्रॉस कर दूँ. दूसरे वाले में भी मुझे एक जीरो मिल गया, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं. फिर तीसरे में जीरो कुछ नहीं, इसमें दो जीरो है तीसरे चौथे रो में. और लास्ट रो आल्सो कंटेंस द टू जीरोस, तो हम इसमें असाइन नहीं कर सकते. नाउ अब हम कॉलम में ढूंढेंगे. पहले कॉलम में भी सेम प्रॉब्लम है, इसमें दो जीरो मौजूद हैं. फिर अगले में तो कैंसिल हुए हैं या असाइन है. इस फोर्थ कॉलम में हमें एक जीरो मिलता है, कॉलम में मिलता है, तो हम रो में कट कर दें. और लास्ट वाले में भी हमें मिल जाता है, ये मिला, तो हम इस रो में जो है कट कर दें. अब सारे जीरो या तो कैंसिल हो चुके हैं, क्रॉस लग चुके हैं, या असाइन हो चुके हैं. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें थर्ड रो में हमें एक भी असाइनमेंट नहीं मिलता. तो ये सवाल में गड़बड़ हो गई. तो इसको दूर करने के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि वो रो ढूंढेंगे इसमें असाइनमेंट नहीं, कहीं हमने वन लगाया उसमें. अब इसमें जहाँ पे क्रॉस हो रहा है उस कॉलम को देखें, कहीं वो उस कॉलम पे टिक करेंगे, नंबर 2 आ गया. इस कॉलम में जहाँ पे बॉक्स बना है आप उसमें टिक लगाएंगे और फ्रिया. बस यही थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि आप देखिए बार से कि ये थर्ड रो में देयर इज नो असाइनमेंट, देयरफॉर वी मेक इट टिक एंड गिव इट नंबर 1. कुछ नहीं, कुछ भी करना. उसके बाद इसमें जहाँ पे भी आपको जीरो है उस कॉलम पे टिक करिए, जहाँ पे भी जीरो उस कॉलम में जहाँ पे भी बॉक्स है उस बॉक्स को आपने रो को टिक कर देना. अब इनको छोड़ के जो टिक वाले और जो कॉलम पे टिक है उसमें, इन लाइनों के सही गलत होने की ये पहचान है कि सारे जीरो जितने भी थे वो सब इन लाइनों के अंदर छुप जाने चाहिए. अब जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है आप उसको ढूंढेंगे कि उसमें सबसे छोटा एलिमेंट है आपका 1. तो बस आप 1 पकड़ लीजिए और 1 लेने के बाद आप 1 से सबको सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो सबको नहीं, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनको निकाल, 6 है तो 5, ये 3, ये एज इट इज, ये 1 और ये 5, ये 9, ये 0. जहाँ पे दो बार क्रॉस होता है वहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये याद रखें. बस जहाँ दो बार क्रॉस है वहाँ ऐड कर देंगे 4 of 4. यहाँ पे ये अनकवर्ड है तो सब्सट्रैक्शन 0 0 7 नहीं, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पे 1. यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे 1, यहाँ 3 था, ये ऐड हो, ये कवर्ड है तो कुछ नहीं होने वाला है, एज इट इज रहेगा. बस जहाँ क्रॉस हो रहे हैं वहाँ पे ये ऐड हो रहा है, तो ये 3 का 4 हो जाएगा और ये 2 को एज इट इज. लास्ट वाले रो में आएगी 0 4, ये 2 हो जाएगा, यहाँ ऐड हो गया, 1 था ना, तो 2 हो जाएगा और 0 और 3 एज इट. बस ये करने के बाद उसके बाद आपको दोबारा असाइनमेंट के जो भी तरीका है उसको फॉलो करना है. कहीं फर्स्ट रो में मुझे सिंगल एलिमेंट मिल गया तो मैं नीचे वाले को क्रॉस कर दूंगा. दूसरी रो में भी मुझे सिंगल जीरो मिल गया तो मैं नीचे वाले को कट कर दूंगा. उसके बाद इसमें मुझे आपको यहाँ पे 2 जीरो मिले और इसमें भी 2 जीरो मिले, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई. कोई बात नहीं, तो अब हम कॉलम में ढूंढेंगे. फर्स्ट कॉलम में भी हमें 2 जीरो मिलते हैं, इन कॉलम में असाइनमेंट हो चुका है, इसमें हमें सिंगल जीरो मिल गया, उन्हें हम इसको कैंसिल कर देंगे. और इस वाले में भी हमें
असाइनमेंट तो पूरे हो गए लेकिन प्रॉब्लम अपनी जगह पे रह गई कि यहाँ पे हमें एक रो दोबारा ऐसी मिली जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं। कोई बात नहीं, जैसे हमने यहाँ पे इस पर टिक लगाया था वैसे टिक मारी, लेकिन यहाँ पे जिस पे क्रॉस होता है उसके नीचे लगाते हैं, तो यहाँ क्रॉस है तो ये हो गया टू और ये हो गया थ्री। अब जिन कॉलम्स में ये आया है आपका, ये है आपका जैसे इस कॉलम में है, तो इस कॉलम में टू में से यहाँ पे हमें असाइनमेंट मिलेगा तो हम ये आपके फोर कर देंगे, और कॉलम नंबर थ्री में हमें यहाँ असाइनमेंट मिला है तो हम ये आपके ठीक करवा देंगे। बस और कुछ इसमें नहीं होना है। आप लोग देखिए कि ये हमने वन पे लगाया, इसमें दो जगह पे था तो उन पे नीचे टू और थ्री पे इन कॉलम्स में जहाँ जहाँ असाइनमेंट है उन रोज पे आप टिक कर, उसके बाद जो रह गया उसको जो रो पे टिक नहीं होता उन पे लगाते हैं, और जिन कॉलम्स पे टिक होता है उसी को लाइन खींचते हैं। ये करने के बाद आप देख रहे हैं सारे जीरो छुप गए इन डॉटेड लाइन के अंदर और वो छुप गए। अब आप अनकवर्ड एलिमेंट सबसे छोटा वन है, वन को पकड़ लिया है, वन की हेल्प से सबको आप सब्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करिए। तो फोर जो कवर्ड है उसका कुछ नहीं होना है, थ्री जीरो जीरो और फोर, यहाँ पे एट कवर्ड है, जीरो फाइव थ्री फोर जीरो जीरो फाइव और जीरो, ये जीरो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डबल क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे भी क्रॉस में चल रही है तो फाइव हो जाएगा, ये फोर और जीरो ऐसे रहेंगे, ये ऐसे रहेगा, ये फोर था फोर का ये फाइव हो जाएगा, वो टू था तो थ्री हो जाएगा, और ये दोनों ऐसे। इसके बाद हमें दोबारा असाइनमेंट बनाने हैं, तो चलिए अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। पहले में दो जीरो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, हमें सिंगल जीरो मिल गया तो सब सिंगल जीरो मिल गया तो हम कॉलम को कट करते हैं, अगले वाले में हमें फिर दो जीरो मिलते हैं, उसके बाद फिर दो जीरो मिलते हैं और उसके बाद हमें फिर दो जीरो मिलते हैं। तो अब सारी रोज में दो दो जीरो हैं, असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। अब हम कॉलम्स में देखेंगे, इसमें देखा तो हमें दो जीरो कॉलम में मिले, इसमें तो असाइनमेंट हो चुका है ये और यह जीरो कैंसिल है, और इसमें भी दो जीरो हैं, इसमें भी और इसमें। अब हमारे पास चाहिए तो हर एक रो में दो जीरो, हर एक कॉलम में दो जीरो, तो हमारे पास अब एक ही रास्ता बचता है कि हम इसमें से किसी एक को चूज कर लें। तो सबसे पहले हम इस वाले जीरो को चूज करेंगे, हमारे पास दो रास्ते हैं इसके बाद। पहले हम दोबारा लिख देता हूँ, पहले मैं इस वाले को चूज कर दिया, मैंने इसको रो में चूज कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगी, और फिर इसमें ये रो में तो ये कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ पे दो हैं, यहाँ दो हैं, कॉलम में दो हैं, लेकिन जब मैंने इसको चूज कर लिया था यहाँ पे तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा, और अब मैंने जब देखा तो सारे इसमें दो जीरो ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे ये रो मिली थी उस रो में, ये अकेला एलिमेंट है ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, और इस रो में ये कैंसिल। तो या फिर मैं क्या करूँ, मैंने ये चूज किया था, अब मैं ये वाला एलिमेंट चूज कर रहा हूँ, ये मैंने जैसे ही इस रो में चूज किया ये कैंसिल हो जाएगा,
इसमें मुझे अगले वाले में फिर सिंगल जीरो मिल रहा है, ये मैं कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद मुझे इसमें दो जीरो मिल रहे हैं, यहाँ पे भी दो जीरो मिल रहे हैं, इस रो में मुझे सिंगल मिल रहा है, मैं इसको कट कर दूँगा। अभी मैं दोबारा क्रॉस देखता हूँ, इस मैंने बना दिया है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें दो जीरो हैं, इसमें मुझे फिर से एक जीरो मिलेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इस रो में भी मुझे अकेला एलिमेंट मिल गया। ये तब पहले भी काटा जा सकता है, जिस पर ये लिया तो ये कैंसिल होगा, या ये लिया तो ये कैंसिल होगा, ये अपने आप भी बाद में आप खुद कैंसिल हो जाएंगे या आप खुद कर। तो इस प्रकार ये दो आंसर बन सकते हैं इसमें। और फिफ्थ देखिए, आज पर पहले के हिसाब से फर्स्ट थर्ड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड फिफ्थ में, और फोर्थ फर्स्ट में, और फिफ्थ जो है वो फोर्थ में जाए, और इसमें जो कॉस्ट आएगी वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उनके नाम से देखें फर्स्ट थर्ड सेकेंड, दूसरे वाले से जो आंसर आएगा इससे वो आएगा फर्स्ट फोर्थ से, सेकंड सेकंड, थर्ड जो है वो थर्ड में, और फोर्थ जो है वो फिफ्थ में, और जो फिफ्थ है वो आपका फर्स्ट। फर्स्ट फोर्थ सेकेंड सेकेंड थर्ड थर्ड फोर्थ ये और फिफ्थ राइट, दोनों यही है, कॉस्ट आप ऐड कर लेंगे दोनों में, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन बात जो है वो क्वेश्चन को दोबारा एक बार समझिए कि उसमें वो क्या है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि फाइंड द मिनिमम कॉस्ट सॉल्यूशन ऑफ 5x5 असाइनमेंट प्रॉब्लम हूज क्वेश्चंस आर एज गिवन, दैट्स ऑल, बस इतना से दिया हुआ। तो आपने वही काम शुरू किया कि वो लोवेस्ट मोस्ट जो सबसे छोटा एलिमेंट है माइनस ए, उससे सबको सब्सट्रैक्ट किया, दूसरे में माइनस नाइन से अनिता ने सबको, तीसरे में माइनस नाइन से सबको, फिर माइनस फोर से लास्ट वाले में माइनस नाइन से सबको घटाया, फिर कॉलम में आपने सब यही काम किया। सबसे खास जो दो स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन के वो यही, पहले आपने इसमें देखा कि असाइनमेंट जब हो चुके थे सारे के सारे, तब आपने इसमें ये देखा कि इसमें थर्ड रो में कोई असाइनमेंट नहीं था, तो उसमें आपने टिक लगाया, और इसमें जहाँ जीरो होता है वहाँ कॉलम पे टिक लगाते हैं, और कॉलम पे जहाँ पे बॉक्स होता है वहाँ पे आप टिक लगाते हैं। टिक करने के बाद जो रोज पर टिक लगे हैं उनको छोड़ के बाकी को आप डॉट डॉट, और जिस कॉलम पे होता है उसको, और इसमें जो अनकवर्ड होता है वो सबसे छोटा एलिमेंट होंगे वन, उसमें से अनकवर्ड को ही घटा देते हैं, जो कवर्ड है वो एज इट इज लिखते हैं, लेकिन जहाँ पे क्रॉस हो रहा होता है वहाँ पे वन को ऐड कर देते हैं। इसे याद करिए मैं बोल रहा हूँ। ये करने के बाद आपने दोबारा असाइनमेंट दिए, देने के बाद आपने फिर यहाँ पे दो, ये रो में कुछ भी नहीं था तो आपने कहा मैं दोनों पे टिक लगाऊंगा, मैंने इस पर टिक लगाया दोनों पे, और दोनों पे जहाँ जहाँ असाइनमेंट है उन आपने भी क्रॉस को टिक लगाया। उसके बाद आपने बाकी को कवर्ड किया और अनकवर्ड वन से, देखिए टिक लगाने के हिसाब से याद रखिएगा, इसमें एक ही जीरो आया था तो एक जगह पे था, तो दो जीरो पर तो दोनों पर, दोनों पे आया तो दोनों में जो बॉक्स होते हैं वो दोनों में यहाँ आएंगे। अगर रो में यहाँ पे कहीं कट होता तो फिर नीचे जाते, हो सकता है अगले क्वेश्चन में जाएंगे, फिलहाल अभी तक नहीं। उसके बाद आपने ये करने के बाद फिर हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमें नई समस्या आई, हर रो में दो जीरो या कॉलम में भी दो जीरो, उसके बाद एक एक करके हम उसको चूज कर, जब इसको लेंगे तो क्रॉस लगा दीजिए, यहाँ पे इसको लेंगे तो इसको क्रॉस लगा दें, या ये अपने आप क्रॉस लग जाता है नीचे की प्रक्रिया। फिर आप रो को ढूंढते रहिए, सारी रो खत्म हो जाए दोबारा आप रो को चेक करिए, अगर जब तक एक एक, क्योंकि यहाँ पे ये आया था तो कोई जीरो कट गया, हो सकता है फिर किसी रो में एक अकेला जीरो रह जाए, इसलिए एक बार जीरो, दूसरी जीरो, तीसरी रो, फिर चौथा रो चेक करके दोबारा फिर से सारे रो चेक, जब तक हर एक रो को चेक करते रहिए जब तक कि दो जीरो ना रहे, तब कॉलम में जाएंगे, नहीं तो पहले रो को ही चेक करिए। जैसे मैंने इसमें करा,
अब आप इस क्वेश्चन को दो एक बार करिए सॉल्व, फिर मैं आपको अगला पूछता हूँ। ये लंबा हो जाएगा वीडियो, वरना मैं इसी में एक्सप्रेशन करूँगा।